एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो कैसे हैं मेरी यूट्यूब फैमिली? आई एम श्योर गाइस आप सब बहुत अच्छे होंगे। बहुत टाइम बाद मैं आप सबसे मिल रही हूँ। सो गाइस, आज की इस वीडियो की शुरुआत करती हूँ। मैं सबसे पहले आप सबको अपना नाम बताकर, काफ़ी सारे सब्सक्राइबर हैं जो कि काफ़ी पहले से मुझसे कनेक्टेड है, एंड जो भी न्यू ऑडियंस है जो इस वीडियो को देख रही है, गाइस मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, मेरा नाम ज़ैनब है। तो आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ी सी अलग होने वाली है, थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए कोई आपके कॉलेज के रिलेटेड अपडेट नहीं लेकर आई हूँ, और ना ही कोई आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर आई हूँ, बल्कि आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी लाइफ की एक न्यू जर्नी के बारे में। गाइस, लाइफ में हम सभी का एक ना एक ड्रीम होता है जिसे हम हर कीमत पे पूरा करना चाहते हैं। वैसे ही मेरी लाइफ का भी एक ड्रीम है जिसे मैं पूरा करना चाहती हूँ, और जिसे पूरा करने के लिए मैं मेहनत भी कर रही थी, बट अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ टाइम से कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मैंने अपने उस ड्रीम को, अपने उस गोल को बीच में ही अधूरा छोड़ दिया था। बट अब मैं अपने उस गोल को, उस ड्रीम को वापस से पाने के लिए अपनी जो प्रिपरेशन है, अपनी जो मेहनत है, वापस से शुरू करने वाली हूँ। एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि मैं अपनी लाइफ की एक पुरानी छोड़ी हुई जर्नी को वापस से रीस्टार्ट करने वाली हूँ। तो क्या है वो ड्रीम, क्या है वो गोल जिसके लिए मैं रीस्टार्ट कर रही हूँ अपनी ये न्यू जर्नी? तो चलिए फटाफट से मैं आपको उसके बारे में बता देती हूँ। तो बेसिकली गाइस, जो मेरा ड्रीम है, जो मेरा गोल है, वो है SSC CGL एग्जाम। यस गाइस, हजारों लाखों स्टूडेंट की तरह मैं भी एक SSC एस्पिरेंट हूँ। पिछले एक साल पहले तक मैं SSC के लिए प्रिपेयर कर रही थी, एंड मैंने SSC के अटेम्प्ट भी दिए थे, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। उसके बाद लास्ट वन ईयर से कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मैं अपने ड्रीम को परस्यू नहीं कर पा रही थी, एंड मैंने एक तरीके से अपनी प्रिपरेशन को बिल्कुल स्टॉप कर दिया था। बट अभी मैं वापस से रीस्टार्ट करने वाली हूँ अपनी प्रिपरेशन। लास्ट वन ईयर से मैं प्राइवेट जॉब कर रही थी, लेकिन पिछले एक साल के अंदर मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि हम में से जितने भी लोग हैं जो ऐसा कि गवर्नमेंट जॉब में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। लास्ट वन ईयर के अंदर जब मैंने प्राइवेट सेक्टर को एक्सप्लोर किया, तो मुझे पता चला कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी बहुत कंपटीशन है, बहुत स्ट्रगल है। और मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि जब मैं मेहनत और हार्डवर्क करने के लिए रेडी ही हूँ, तो क्यों ना मैं अपने गोल के लिए हार्डवर्क करूँ, क्यों ना मैं अपने गोल के लिए मेहनत करूँ। क्योंकि मुझे ये चीज़ अच्छी तरीके से पता है कि एक प्राइवेट जॉब कभी भी मेरे ड्रीम्स को पूरा नहीं कर सकती। मेरे बहुत सारे ड्रीम्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मुझे लाइफ में करनी है, और एक प्राइवेट जॉब कभी भी मुझे वो नहीं दे सकती। और यह ऐसा नहीं है कि मैं अभी से गवर्नमेंट जॉब के लिए एक्साइटेड हूँ या गवर्नमेंट जॉब करना चाहती हूँ, मुझे हमेशा से ही गवर्नमेंट जॉब चाहिए थी, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ रीजंस की वजह से मुझे लगा था कि मैं प्राइवेट जॉब में चली जाती हूँ। तो बस गाइस, अब मैं अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाली हूँ। बेसिकली मेरा टारगेट है 2024 के अंदर जो CGL एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए जमकर मेहनत करना। हालांकि थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि कम टाइम बचा है 2024 वाले एग्ज़ाम के लिए, बट मेरा टारगेट है कि 2025 का जो एग्ज़ाम है वो तो मुझे 101% क्लियर करना है, एंड इसी के लिए मैं अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाली हूँ। तो गाइस, मेरी जो प्रिपरेशन की जर्नी मैं स्टार्ट करने वाली हूँ वो मैं करने वाली हूँ कल से, यानी कि 30 मई से। तो 30 मई से आप लोगों को कंटिन्यूसली मेरे चैनल्स के ऊपर मेरी स्टडी ओरिएंटेड वीडियोस मिलेंगी, जो कि मेरे स्टडी ब्लॉग्स होंगे। स्टडी ब्लॉग्स के थ्रू मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि कैसे ज़ीरो से मैं अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि पुराना जो भी पढ़ा था बहुत कम दिमाग में रिटेन कर पाई हूँ। तो एक तरीके से बिल्कुल ज़ीरो से मैं स्टार्ट करूँगी, एंड अभी ज़ीरो से लेकर 100 तक का ये जो सफ़र होगा बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। मैं जानती हूँ ये जर्नी बिल्कुल भी इजी नहीं रहेगी, बहुत डिफ़िकल्टीज आएंगी इस जर्नी में, बट अब मैं हर डिफ़िकल्टी को फेस करने के लिए रेडी हूँ। प्लस प्रिपरेशन के साथ साथ मुझे अपनी जॉब को भी टाइम देना है। मैं अभी भी करंटली जॉब कर रही हूँ, क्योंकि प्राइवेट जॉब में अभी मुझे एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दे रखी है, तो मैं अपनी जॉब भी क्विट नहीं करूँगी।
तो जॉब के साथ प्रिपरेशन करना आई नो बहुत ज़्यादा इजी नहीं रहेगा, बट मैं फुल ट्राई करूँगी एंड मुझे पूरा यकीन है कि अगर मैंने अच्छे से हार्डवर्क किया, अच्छे से मेहनत की, तो मैं ज़रूर 2025 का एग्ज़ाम क्रैक कर लूँगी। एंड किस तरीके से जॉब के साथ मैं इन चीज़ों को बैलेंस करती हूँ आप लोगों को आगे की वीडियोस में देखने के लिए मिलेगा। तो प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियोस को ज़रूर देखिएगा एंड जैसे आप लोगों ने मुझे पहले सपोर्ट किया है, पहले मेरी वीडियोस को प्यार दिया है, आई एम श्योर आप लोग इस बार भी मेरी वीडियोस को उतना ही प्यार दोगे। तो गाइज चलिए कल से मिलती हूँ मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे एंड डेली आप लोगों के साथ कुछ न्यू चीज़ें शेयर करूँगी। मेरी लाइफ के बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें जानने का मौका मिलेगा, एक लड़की के क्या ड्रीम्स होते हैं, क्या उसके ख्वाब होते हैं, सब कुछ आपको पता चलेगा। तो गाइज मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरा चैनल आपको दिख जाएगा जैनब की डायरीज के नाम से, तो आप ज़रूर उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही गाइस, ये बस एक इंट्रोडक्टरी वीडियो थी जिसके अंदर मुझे आप लोगों को बताना था कि आगे किस टाइप की वीडियोस आप लोगों को मिलेंगी एंड बहुत ज़्यादा आप लोगों को मज़ा आएगा इन ब्लॉग्स के थ्रू। देखो हार्डवर्क तो हम करेंगे लेकिन पढ़ाई के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी रहेंगी जो कि आपको आगे वीडियोज़ में देखने का मौका मिलेगा। तो गाइस प्लीज़ मेक श्योर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें आप, और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो एंड अगर आप भी एक SSC एस्पिरेंट हैं तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।